ये बिल तकरीबन जो है ना ये 1,20,000 कॉस्ट की है कस्टमर को। यार रेट्स हम लोग काफी अच्छे दे रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को, इवन तो जो भी आते हैं ना मार्केट में थोड़ा बहुत डेफिनेटली हर बंदा घूमता ही है, जब हमारे रेट्स लेता है ना तो यार वाकई में खुश होता है कि यार काफी अच्छे रेट्स हम लोग ऑफर कर रहे होते हैं। सेम चीज जो मार्केट में 1.30 1.35 की बिक्री होती है वही हमने सेम इन्हें 120 में दे दी है, बल्कि इनका आई थिंक 119 के करीब समथिंग टोटल बिल बना है। बिल काफी जबरदस्त होगी। ठीक है, स्पेसिफिक जो यूज केस है ना कस्टमर का वो था जी एडिटिंग रेंडरिंग का, के आफ्टर इफेक्ट का हो गया, प्रीमियर का हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमने जो सारे कंपोनेंट है ना वो ऐड अप किया। केस इसमें हमने काफी खूबसूरत यूज किया सोनिक का R25 केस विद 4 ARGB फैंस। ठीक है, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाज़ेब एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू पीसी बिल्ड वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और पीसी ले आए हैं। यार आजकल काफी ज्यादा हमारे पास पीसी ऑर्डर आ रहे हैं, तो अगर आपने भी कोई पीसी ऑर्डर करना है डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस। जो हमारी शॉप है ना वो है जी रावलपिंडी में, शॉप नंबर LG5758 लोअर ग्राउंड फ्लोर मिडवे सेंटर 6 रावलपिंडी, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना वो है 0331951103 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर अगर आपको बिल्ड जल्दी चाहिए 1 से 2 दिन के अंदर तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल पे होगा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा और आपकी जो बिल्ड है वो आप जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। ये वाली जो बिल्ड है ना ये स्पेसिफिक हमारे पास कस्टमर आए थे चकवाल से, तो हारिस भाई अगर आप हमारी वीडियो में आ जाए तो यार ये हारिस भाई थोड़ा कैमरा शाय है, ठीक है आ नहीं रहे, तो ये यार चकवाल से स्पेसिफिकली हमारे से बिल्ड बनवाने के लिए यार काफी दूर दूर से हमारे पास लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं। उस दिन सवाद से कस्टमर आए थे, ठीक है, पेशावर से तो काफी आते रहते हैं, तो अगर आप भी इजिली आ सकते हैं ठीक है रावलपिंडी में तो आप डेफिनेटली फिजिकली विजिट करें, क्योंकि फिजिकली सारी चीजें देखना एक्सपीरियंस करना स्टोर को वो एक अलग उसका मजा होता है। ठीक है, बाकी ये अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो टेंशन नॉट, हमारा जो ऑनलाइन प्रोसीजर होता है वो भी काफी जबरदस्त, उसमें ये होता है कि वो अपनी बिल्ड अपनी मुझे कन्फर्म करेंगे ना, तो साथ ना मैं आपको वीडियोस भेजता रहता हूँ कि ये जो आपके कंपोनेंट आपको बताए हैं वो ली हम पेयर कर रहे हैं। लेट्स पुट अप ग्राफिक कार्ड जो है ना गीगाबाइट का मैंने बताया, मदरबोर्ड आपको मैंने असूस का बताया, फिर कोई बताया, तो साथ साथ हम लोग प्रॉपर ना कस्टमर को वीडियोस भी भेज रहे होते हैं कि जो चीजें आपको हमने बताई है वही एड अप कर रहे हैं आपके सिस्टम में, क्योंकि मार्केट में ये भी कपले होते हैं कि यार आप चीज कुछ और बता जाती है, ठीक है डाल कुछ और देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आप तो घर बैठे आपको पता नहीं होता। तो हमारा मेन मोटिव ये कि यार जो चीज कस्टमर को बताई जाए अगर ब्रांड न्यू बोर्ड बताया तो ब्रांड न्यू ही एड होगा। ठीक है, इवन तो हम लोग जब ब्रांड न्यू मदरबोर्ड की सील अनरैप कर रहे होते हैं ना, ठीक है, साथ साथ ना कस्टमर को उसकी वीडियो भी बना के भेज देते हैं कि यार ये आपका ब्रांड न्यू मदरबोर्ड है, अब हम खोल के पेयर करने लगे, तो उससे ये होता है कस्टमर घर बैठ के ठीक है आराम से कौन से जो अपनी बिल्ड है ना वो बाय कर सकते हैं, उसको कोई भी ना मसला नहीं आता उस मामले में, आप इजिली हम भी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी ये पीछे भी बिल्ड पड़ी है, भी हमने अभी डिलीवर करनी है, तो ये कि हमारी काफी डिलीवरीज भी होती है जो लोग फिजिकली विजिट कर सकते हैं तो वो फिजिकली भी हमारी शॉप पर आ जाते हैं, तो ये ओवरऑल हमारा प्रोसीजर होता है। ये बिल्ड तकरीबन जो है ना ये 1,20,000 कॉस्ट की है कस्टमर को। यार रेट्स हम लोग काफी अच्छे दे रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को, इवन तो जो भी आते हैं ना मार्केट में थोड़ा बहुत डेफिनेटली हर बंदा घूमता ही है, जब हमारे रेट्स लेता है ना तो यार वाकई में खुश होता है कि यार काफी अच्छे रेट्स हम लोग ऑफर कर रहे होते हैं। सेम चीज जो मार्केट में 1.30 1.35 की बिक्री होती है वही हमने सेम इन्हें 120 में दे दी है, बल्कि इनका आई थिंक 119 के करीब समथिंग टोटल बिल बना है। बिल काफी जबरदस्त होगी। ठीक है, स्पेसिफिक जो यूज केस है ना कस्टमर का वो था जी एडिटिंग रेंडरिंग का, के आफ्टर इफेक्ट का हो गया, प्रीमियर का हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमने जो सारे कंपोनेंट है ना वो एड अप किया। यार हमारा जो कोर फोकस है ना वो यही है कि यार जो कस्टमर की नीड्स है ना वो आपका पीसी फुलफिल करे। देखें अब एक कस्टमर इतना पे कर रहा है, एक चीज बनवा रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट जो डिजायर्ड उसकी रिक्वायरमेंट है वो ही ना फुलफिल हो, वो उसका पीसी करे, ठीक है, तो उसका फायदा कुछ भी नहीं है। तो हमारा कोर फोकस, हमारा मेन मोटिव ये है कि यार जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होंगी ठीक है उसी के अकॉर्डिंगली ही पीसी डिजाइन किया जाएगा। अब इनने मुझे बोला था कि यार मेरा काम ज्यादा एडिटिंग है, मैंने इन्हें इसीलिए एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड रिकमेंड किया, इसमें हमने गीगाबाइट का यूज किया है जी 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड, क्रीप से भी आगे दिखा दो विद बॉक्स ये वाला था, और ये कार्ड देख सकते हैं काफी अच्छी कंडीशन में वाला कार्ड हमारे पास अवेलेबल है, टेम्परेचर भी काफी ऑप्टिमल आ रहे थे इस कार्ड के, और ये सील्ड कार्ड था, ठीक है, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है कि माइंड है या फिर ओपन वगैरह हुआ, तो सील्ड कार्ड अवेलेबल था। बाकी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं एक सीक्वेंस में स्पेक्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, जिसमें हमने प्रोसेसर पेयर किया ना वो है जी Ryzen 5 2600 6 कोर प्रोसेसर होता है। इस पर जो प्रोसेसर है ना इसकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है, इसके साथ में i3 10 जनरेशन भी पेयर कर सकते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इससे इतनी फिट नहीं है, ठीक है, एक तो वो उसमें यूज में आ जाएगा, ये ब्रांड न्यू चिप है ठीक है विद 1 ईयर वारंटी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मदरबोर्ड इसमें हमने चाइनीज वेरिएंट का आता है ठीक है A320M के, 2 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड होता है, और बेनिफिट ये है कि ब्रांड न्यू 1 ईयर वारंटी के साथ मदरबोर्ड है, और इसमें आपको M.2 NVMe जो SSD है ना उसकी भी सपोर्ट अवेलेबल है, और इसमें हमने ना स्टोरेज के लिए हमने 256 GB की NVMe SSD एडअप की है। कस्टमर सेट के बाद में जो एडिशनल स्टोरेज है
ना वो एडअप करवा लूं, क्योंकि अभी बजट मैनेज करना था तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमने भी चीजें एडअप की हैं। 256 GB की NVMe आ गई, टीम ग्रुप की यूज की है हमने, इसकी जो कॉस्ट है ना इंडिविजुअली वो तकरीबन 6,500 है, प्रोसेसर की जो कॉस्ट है ना वो हमने कस्टमर को 19,500 में पेयर किया है, और जो मदर बोर्ड है वो हमने ब्रांड न्यू उन्हें 20,000 का दिया है विद 2 रैम स्लॉट। बाकी अगर हम लोग बात करें ना रैम की, तो इसमें हमने ना टीम ग्रुप की रैम यूज की है 3200 MHz, ये भी ब्रांड न्यू रैम होती है, 8 GB की दो स्टिक्स यूज की है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रैम इंस्टॉल हुई हुई है और दोनों चैनल भी यूटिलाइज हो गए हैं, और ये वाली रैम जो है ना ये ब्रांड न्यू ना 3200 MHz अब कॉस्ट करती है 10,500 रुपए। ठीक है, मार्केट में यही सेम रैम जो है ना लोग 11-11.5 तक भी सेल आउट कर रहे हैं, तो हम लोग ये कि जब कस्टमर फिजिकली हमारी शॉप पे आ रहा तो हम काफी डिस्काउंट मैसिव दे रहे होते हैं। ऑनलाइन आप चीज पूछेंगे, मुझे कस्टमर ने कहा कि यार एक बिल्ड थी ठीक है तकरीबन उसकी कॉस्ट मैक्सिमम जा रही थी 78,000, ठीक है वही चीज कस्टमर ने आई थिंक 72 की 73 में ली थी मार्केट से, तो वो कह रहा था आपके रेट से आता है, तो वो ये कितना डिस्काउंट डेफिनेटली हर बंदा दे देता है, तो आपने मुझसे कंसर्न नहीं किया, आपने दूसरे से बिल्ड ले ली, तो पॉइंट ये कि डिस्काउंट हम दे रहे होते हैं काफी अच्छा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन चीज मुझसे पूछेंगे तो जितना हम डिस्काउंट कर सकते हैं हम उधर भी कर देते हैं, ठीक है आप थोड़ी बहुत ढील तो बनाए ना, तो पॉइंट ये है। बाकी नेक्स्ट जो चीज है ना वो है जी इसमें केस, इसमें हमने काफी खूबसूरत यूज किया सोनिक का R25 केस विद 4 ARGB फैंस। ठीक है, इसमें फ्रंट पे भी 3 फैंस है और एक काफी बड़ा मैश है और बैक पे भी एक फैन है, ओवरऑल इसका जो एयर फ्लो है वो भी काफी जबरदस्त है, मतलब कि आपको ये सिस्टम है ना वो भी इजीली कूल डाउन रहेगा, टेम्परेचर्स आर एब्सोल्युटली फाइन। बाकी जो इसकी लाइट्स है ना वो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये ARGB है तो यहाँ से सारी जो लाइट्स है ना बटन से कंट्रोलेबल होती हैं, अब अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं ये देखें। और अभी इसमें हमने जो कूलर यूज किया ना वो है जी E-Dragon का आइस प्लेट जिसकी कॉस्ट 1000 होती है, और बाकी जो ये वाला केस है ना ये वाला विद बिल्ड हमने कस्टमर को 12,000 का पेयर किया है। वैसे मार्केट में सेम केस लिटरली बता रहा हूँ 13.5-14 तक सेल आउट हो रहा है, तो वो मैं ही बता रहा हूँ ना बिल्ड में हम लोग काफी अच्छा डिस्काउंट कस्टमर को दे रहे होते हैं, तो ये अब सारा सिंक्रोनाइज हो गया। बाकी अगर हम लोग बात करें ना पावर सप्लाई की, जिसमें हमने ब्रांड न्यू 550 वॉट की पावर सप्लाई यूज की है। ठीक है, हमने ना इसमें सारे कंपोनेंट ब्रांड न्यू यूज किए हैं, सिर्फ जो आपका ग्राफिक कार्ड है ना वो यूज्ड है, तो यूज कंपोनेंट की भी हम लोग ना 1 month की वारंटी दे रहे होते हैं, जाके कस्टमर जो है ना उसके पीस ऑफ माइंड रहे, यार टेंशन ना रहे, क्योंकि अगर चीज में कोई फॉल्ट हो ना तो 1 month बहुत एक लंबा टाइम स्पेन होता है, अगर चीज फॉल्टी हो तो वो 1-2 दिन के अंदर पता चल जाता है यूजेज के बाद, तो 1 month तो कस्टमर बिल्कुल इजिली चिल रहता है कि यार कोई मसला हुआ तो वो चीज आपको रिप्लेस करके दूसरी मिल जाती है। तो हमारी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी जबरदस्त से काफी, यार रिसेंटली एक कार्ड था 590, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें में थोड़ा बहुत इशू आ गया तो वो हमने कस्टमर को रिप्लेस करके न्यू एडअप कर दिया। तो हमारा ये सीन ही एक टिपिकल मार्केट वाला कि यार एक दफा चीज आपने ले ली तो फिर दोबारा मुड़ कहेंगे तो हम आपको पहचानेंगे नहीं, तो वो वाला सिस्टम अनचल आपको देखने को नहीं मिलेगा हमारी तरफ से, इतना प्रोफेशनलिज्म हम आपको शो कर सकते हैं, ठीक है वो आपको करेंगे इंशाल्लाह। बाकी क्या रह गया इसमें, आई थिंक हमने सारी चीजें कवर अप कर दी हैं, बोर्ड का ही बता दिया, ठीक है ब्रांड न्यू, बाकी सब चीजें ब्रांड न्यू इसमें हमने ऐड की है, यार काफी जबरदस्त बिल्ड होगी और प्राइस भी काफी अच्छी हमने ऑफर की है कस्टमर को। बाकी अब कस्टमर का रिव्यू ले लेते हैं, कस्टमर थोड़ा कैमरा शाय है ठीक है पीछे बैठे, मैंने कहा चलो ऐसी रिव्यू दे दो, यार बताओ एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ, प्राइस आपको कैसी देखने को मिली हमारी। मुझे मार्केट से यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बाहर मुझे 135 की ये कॉस्ट हो रही थी, हालांकि वहाँ ग्राफिक कार्ड जो है वो उसकी गारंटी नहीं दे रहे थे, 7 दिन से ज्यादा गारंटी नहीं दे रहे, यहाँ गारंटी मुझे 1 month की दे रहे हैं जी, जी। तो वो सही है, प्राइस ही सेम स्पेक्स आपको 135 मार्केट में, और वो यूज में मदरबोर्ड लगा, अच्छा मदरबोर्ड भी यूज में था, अच्छा तो फिर मार्केट से हमने बहुत अच्छी प्राइस ऑफर कर दी, ठीक है A320 हमने इन्हें 20,000 का दिया, मतलब कि सारी चीजें ब्रांड न्यू होगी और सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड यूज में है, तो हमने बहुत अच्छी प्राइस ऑफर की। तो अगर आपने भी कोई ऑर्डर करने को डेफिनेटली कॉन्टेक्ट, ठीक है शॉप का एक्सपीरियंस भी बता दो यार कैसा रहा। शॉप का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, ऑनलाइन से फिजिकल ज्यादा अच्छा, फिजिकल ज्यादा, ये चकवाल जाए थे हमारे पास, ठीक है तो चकवाल पे कह रहे थे कि वहाँ पे ऐसी कोई शॉप नहीं है, तो ये फिजिकली हमारे पास रावलपिंडी में विजिट इन्होंने किया, तो काफी इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपने फिजिकली विजिट करने को डेफिनेटली कॉन्टेक्ट आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर बता दो दोबारा 0331951103 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस। बाकी जो हमारी शॉप है वो है जी रावलपिंडी में, शॉप नंबर LG5758 लोअर ग्राउंड फ्लोर मिडवे सेंट्रम 6 रावलपिंडी हमारी शॉप है, आप फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। बस ये थी आज की वीडियो, शादेब साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।